चलो हटे रे सब, हटो हटो, चलो साइड जो चाहिए रोड चलो हटो। कौन है ये? पुजारी जी हैं सर, सुबह से लाश इनका ऐसे ही तैरते हुए मिला है। इस लाश को पहले किसने देखा? किसी पे शक, किसी का झगड़ा इनसे, किसी की दुश्मनी? नहीं सर, वो तो देवता आदमी थे सर। चलो कोई बात नहीं, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, और आप लोगों में से किसी को कोई सूचना मिलती है तो मुझसे कांटेक्ट करिए। ओके जिगरा चेक कर रहा था मैं। पंडित जी के हत्या के बारे में सुना है तुम? नहीं, कैसे हुआ? परसों ही तो मुलाकात हुई थी। मेरे तो पंडुब्बे का काम लगता है। जाने भी दो, पिछले 10 साल से मैं नदी के चप्पे चप्पे में घूमा, मुझे तो कोई पंडुब्बा नहीं दिखा। तब तो तुमको साले हवा पे भी विश्वास नहीं होगा, क्योंकि वो दिखता नहीं है। और अब गए हमारे पूर्वज जो पंडुब्बा का जिक्र करके गए, वो क्या गलत थे? बच के रहिएगा, आप जैसे लोगों को कुछ ज्यादा ही खोजता है पंडुब्बा। बेटा फैल रहा है। अरे ये क्या है, ये क्या है? हे भगवान, ये तो किसी आदमी की लाश लग रही है। इधर आ, इधर 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 से भाई। अरे चलो ऑटो साइड हटो, ऑटो साइड हटो, भीड़ मत लगाओ। उफ, ये साला लाशों का सिलसिला तो रुक ही नहीं रहा है। कौन है इन मर्डर्स के पीछे? उफ, बहुत बेरहमी से मारा है और बहुत बुरा हाल किया है। कौन है ये? कल सर देखे थे इनको नदी के किनारे फोटो खींचते, लेकिन मर जाएंगे ऐसा तो उम्मीद नहीं था सर। सालो, मुझको पता है तुम में से कोई एक है। एक दिन मैं ये पता भी कर लूंगा कि तुम में से वो एक कौन है, और उस दिन मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या है ये सब, क्या हो रहा है? क्या तुम्हें पता है कि इन सब के पीछे कौन कौन है? साहब, हम उनको तो खुद पता नहीं है कि कौन मार रहा है, कौन मर रहा है, कौन है इन सब के पीछे। साले ने यही कहीं छुपाया होगा। कोई तो सबूत मिले जिससे मैं इंस्पेक्टर साहब को ये साबित कर दूं, ये ही पंडुब्बा है। ये बदमाश मेरे नाव पे क्या कर रहा है? हाँ, ये मोटी रस्सी किस काम की है? मेरे नाव पे से पहले तुम बाहर आओ। तूने नाव में मोटी रस्सी क्यों छुपाई? कौन सी मछली मारने के लिए ये मोटा रस्सा रखा है रे? अपने काम से मतलब रखिए। सारे तुमको समझाना पड़ेगा। तुम रात में नदी में कितने बजे तक रहते हो? रात में तो 10 बजे निकलता ही हूँ सर, रह जाता हूँ 3-4 बजे तक गंगा किनारे। और ये तेरे नाव में जो मोटी रस्सी रखी है, ये किस काम की है? कहीं यही तो लोगों को मारने के काम में नहीं आ रही है? कभी रात में आइए सर, आपको ये रस्सा भी धागा जैसा दिखेगा। मैं बेकसूर हूँ, ये सारा काम पंडुब्बे का है। ठीक है, अभी जाओ, लेकिन जब मैं बुलाऊं तो तुम्हें मेरे पास आना है। ठीक है सर।
की आवाज कैसी है? उफ, ये डरावनी आवाज चारों तरफ से कहां से आने लगी? और मेरा मन घबरा रहा है, मेरे कान की चादरें, मुझे भागना चाहिए। क्यों रे नाव वाले, क्या हुआ? अबे उठ, ए नाव वाले उठ। भाई माफ करना, मैंने बेकार ही तुम पे शक किया। अच्छा एक बात बताओ, इन सब के पीछे है कौन? अब यकीन मानो सर, मैंने पनडुब्बे को देखा है और यह सारा किया धरा उसी का है। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखो, मैं देखता हूं। ए क्या रेशान है, हैप्पी बर्थडे। किसका बर्थडे? किसका बर्थडे? तू तो पनडुब्बा का रिलेटिव है, और लोगों को तो पनडुब्बे ने मार दिया, तेरे को काहे छोड़ रही? अगर आपको ऐसा लगता है कि पनडुब्बा मेरा रिलेटिव है तो मैं आप लोगों की भी शिकायत कर देता हूँ। क्यों? ए क्या रे छोटा भाई, आप लोग मजाक भी नहीं कर सकते क्या है? आपने पुलिस को ये कॉम्प्लेन किया कि मैंने रस्सा किसी के जान लेने के लिए रखा है, लेकिन आप ये जानते हैं कि मैं किसी की जान नहीं ले सकता, वो रस्सा मेरे अपने काम के लिए रखा है। ए देख चल, हो सकता है मुझसे गलती हुई, लेकिन मेरा नाम है भवानी, और बेटा तुम मुझसे ऊंचे स्वर में बात कर रहा है, तेरी कब्र में यही खोद सकता हूँ, समझा? भवानी से टकराने वाले का अंजाम एक ही होता है, गुलबी घाट पे जलना, और तेरे जैसे कितने को मैं जला चुका हूँ, समझा? इसलिए मुझसे ज्यादा बकर बकर मत कर, वरना तुझे यहाँ खड़े खड़े अभी भी जला सकता हूँ। अरे ये कहाँ से चला आ रहा है, आज का तो जतरा ही खराब है। ए क्या रे, भैया को मार दे ले, अब तो रखा ना पछते हो ना मारे के बाद। काम की बात कीजिए, फालतू बात के लिए मेरे पास समय नहीं। अरे गंगा का मिट्टी लाने चलना है ऊपर, चल बे, चल बे तो कितना पैसा ले बे। भैया का बात, आइए मंगवा देता हूँ। आइए आइए बैठिए बैठिए सना बैठिए। सलाम साहब, इससे पूछो कि किसी पसक है? किसी पसक है तुम्हें? साहब हम तो साफ साफ देखे कि पनडुब्बा ही था। ठीक है, इसको बोलो कि जाने के लिए, लेकिन जब बुलाओ तो वहीं पे आना है। ठीक है, अभी तुम जाओ, लेकिन जब बुलाए तो तुरंत आना, चलो निकले यहां से। जी सर। नमस्कार बाबा। तथास्तु तथास्तु। बाबा मैं आपके एरिया का इंस्पेक्टर हूँ, और मुझे आपसे एक बात पूछनी है बाबा। पूछो भाई पूछो। ये बताइए बाबा कि ये पनडुब्बा होता है या नहीं? देखो बेटा, जिस प्रकार हवा है
वैसे पनडुब्बा भी हो सकता है। बहुत सारी चीजें प्रकृति में अदृश्य है, ये सब ईश्वर की माया है। उन्हीं अदृश्य चीजों में से एक वायु भी है। तो जब वायु बिना दिखे उपस्थित है तो अन्य ऐसी लाखों चीजें हैं जो बिना देखे उपस्थित हो सकती। मेरे भाई को मार के जो तूने गलती की है उसकी सजा तो मैं तुझे आज दे के रहूंगा। रुख, तूने ही मेरे भाई को मारा। ए, रुको रुको, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, चलो चलो चलो। ओ कमीने, अले तू ही था ना, हाँ? बहुत खून बहाया, मैं तेरा खून बहाऊंगा। हम मैंने किसी का खून नहीं किया साहब, मैं तो बस अपने भाई की मौत का बदला लेना चाह रहा था। चल तू थाने चल, वहीं तेरी चमड़ी उधरता हूँ। साले ये केस जितना साधारण दिखता है उतना है नहीं। क्यों ना एक बार गोलू के घर जाके देखा जाए। चलो पहुंच तो गया। ओह लगता वो घर में है भी नहीं। गुड, यहाँ क्या है? कुछ भी नहीं। ओह माय गॉड, ये इतनी सारी इंसानी हड्डियां क्यों जमा कर रखी है इसने? बहुत ही दुर्गंध, निकलना पड़ेगा। मैंने सोचा था कि दाल में कुछ काला है, यहाँ तो पूरी की पूरी दाल काली है। बाबा आदमी तो पकड़ा गया है लेकिन मुझे फिर भी एक आदमी पर शक है। मैं चाहता हूँ कि मैं जैसा बताऊँ आप वैसा वैसा कीजिए। आइए ध्यान से सुनिए। गोलू बागीचे में खड़ा है, आप वहां जाइए और उसे पंडुब्बे के नाम से चढ़ाइए। क्या बालक पंडुब्बा, और किन किन को मारना है? पता है इस बुढ़े का भी दिन पड़ गया है। साले को आज ही खत्म करता हूँ। बहुत होशियारी दिखाई तूने, लेकिन आज मेरे शिकंजे में आ ही गया। चल तेरा खेल तो ही खत्म हो गया, और उन गुमनाम मौतों का सिलसिला भी।